हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नियमित 10वीं व जमा 2 के छात्रों के लिए 10 से 17 फरवरी तक विशेष परीक्षा का दूसरा अवसर प्रदान करने का फैसला लिया है। यह अवसर 10वीं व जमा 2 की टर्म 1 की परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के लिए दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव मधु चौधरी ने कहा कि बोर्ड द्वारा सितम्बर महीने में आयोजित 10वीं व जमा 2 के कक्षा के नियमित विद्यार्थी जो की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने, मेडिकल ग्राउंड या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के तहत परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इससे पूर्व नवंबर 2022 में भी ऐसे विद्यार्थियों को एक चांस प्रदान किया जा चुका है। बोर्ड सचिव मधु चौधरी ने कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10 से 17 फरवरी तक दिए जा रहे दूसरे विशेष अवसर में 32 विषयों के 350 छात्र परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि यह परीक्षाएं प्रातःकालीन 9:45 से 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। बोर्ड सचिव ने कहा कि इन परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं उक्त तिथियों के दौरान ही सुविधा अनुसार आंतरिक रूप से स्थल पर प्रश्न पत्र सेट करके संबंधित विद्यालयों में आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालय प्रायोगिक परीक्षा की अंक सूचियों को परीक्षा उपरांत ऑफलाइन बोर्ड को प्रेषित करेंगे। जो हमारे टर्म 1 में कुछ छात्र ऐसे थे जो टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व थे, और जबकि हमने नवंबर में भी एक स्पेशल चांस दिया था, उस टाइम भी उनके कैंप्स जो थे लगे हुए थे, उन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने जो है 10 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच में 10वीं और प्लस 2 के छात्रों के लिए विशेष अवसर फिर से प्रदान किया है, और इसमें लगभग 32 सब्जेक्ट्स के 350 के करीब छात्र जो हैं ये स्पेशल एग्जाम की परीक्षा देंगे। ये हमारी जो परीक्षाएं मॉर्निंग सेशन में ही रहेंगी। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।